पूरे देश में भाजपा को हराने का काम आप उठाओ, मुट्ठी बंद करो, लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के दावे के साथ मैदान में उतरी सत्ताधारी बीजेपी लगातार मुश्किलों में घिरती जा रही है। खासकर पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। क्षत्रिय समाज के लोगों ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी है, जिससे अब बीजेपी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। इस बार क्षत्रिय समाज के लोगों ने मेरठ में स्वाभिमान महापंचायत बुलाई, जिसमें ठाकुरों ने अपनी ताकत का एहसास कराया। पूरे देश में भाजपा को हराने का काम आप उठाओ, मुट्ठी बंद करो, हमारे साथ सब बोलेंगे रघुपुर स्वाभिमान महापंचायत की अगुवाई कर रहे ठाकुर पूरन सिंह बीजेपी पर जमकर बरसे और मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल की तुलना रामायण के मरीच से कर डाली। देखो मैं अरुण गोविल जी की एक बात बता दूं आपको, एक रामायण में मरीच था, मरीच उसे रावण ने जबरदस्ती कहा कि या तो तू भेष बदल ले नहीं तो तुझे मारूंगा, तो वो भेष बदल के चला गया सोने का हीरा बन गया, बन के गया ना, तो भाजपा ने इसे भी मारीच बना के भेजा और इसका पता लग चुका, इसका पता लग चुका और ये जनता ने स्वीकार करा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास मेरठ में कार्यकर्ता नहीं थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता थे तो फिर हेलीकॉप्टर चला के क्यों उतार दिया प्रत्याशी, इसलिए मेरठ की सारी जनता अरुण गोविल के विरोध में। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में ठाकुरों को टिकट न मिलने के चलते और उनका टिकट काटे जाने से क्षत्रिय समाज बीजेपी से नाराज है और यही वजह है कि किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा को राजपूतों की अनदेखी भारी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में संदेश पहुंचाएंगे और पूरे देश में संदेश पहुंचा के ये निर्णय देंगे समाज को कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम, कौन कौन तीन लोकसभाओं पे जिसकी आज पंचायत थी, तीनों लोकसभाओं पे निर्णय लिया गया कि जो भी गठबंधन के प्रत्याशी है उनका समर्थन करा जाएगा, राजपूत समाज उन्हें वोट देने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने का पूरे का पूरा हम प्रयास करेंगे। है मुजफ्फरनगर है और सहारनपुर। अच्छा, सीटें क्यों इसके अलावा? देखो ये आज जो पंचायत थी ये तीन लोकसभाओं की पंचायत थी, इसमें दूर दूर से लोग जरूर आए, कल धोलाना में पंचायत है, उसके बाद गाजियाबाद में है, फिर गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बाद अलीगढ़ है, फिर हाथरस है, फिर बदायूं है, लगातार पंचायतें होंगी चरणों के हिसाब। आपको बता दें कि इस महापंचायत में ठाकुरों के अलावा मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें फैसला लिया गया कि बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को सभी वोट देंगे और पूरे देश में भाजपा का विरोध करेंगे। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले पश्चिमी यूपी से आ रहा संदेश बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।